1916 में आज ही के दिन हिंदी और संस्कृत के कवि, लेखक और आलोचक जानकी वल्लभ शास्त्री का जन्म हुआ था। शास्त्री जी का पहला गीत किसने बांसुरी बजाई लोगों के बीच बहुत लोकप्रिय हुआ। उन्होंने शुरुआत में संस्कृत में कविताएं लिखी, जिसके बाद महाकवि निराला की प्रेरणा से प्रभावित होकर उन्होंने हिंदी में लिखना शुरू किया। शास्त्री जी की प्रतिभा उनके लिखे गीतों और गजलों में साफ झलकती है। हिंदी और संस्कृत के क्षेत्र में जानकी वल्लभ शास्त्री के उल्लेखनीय लेखन के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने उन्हें भारत भारती पुरस्कार से सम्मानित किया। 1953 में आज ही के दिन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन में मिठाई पर सालों से लगे नियंत्रित वितरण को खत्म कर दिया गया था, जिसके बाद भारी तादाद में बच्चे पैसे लेकर मिठाई की दुकानों पर पहुंचने लगे थे। इससे पहले मिठाई खरीदने के लिए लोगों को राशन कार्ड दिखाना पड़ता था। इस दिन मिठाई की एक बड़ी कंपनी ने स्कूलों में बच्चों को मुफ्त लॉलीपॉप बांटे थे। लंदन की मिठाई बनाने वाली एक कंपनी ने उन सभी लोगों को जो उसके यहाँ पहुँचे मुफ्त में मिठाइयाँ बांटी। मिठाई की दुकानों के सामने लोगों की लंबी कतार लग गई और उन्होंने लंबे समय के बाद मिठाई खरीदने का आनंद उठाया। हालांकि चीनी मिठाइयों के वितरण पर नियंत्रण इसके बाद भी जारी रहा और कुछ लोगों का कहना था कि सरकार को मिठाई के वितरण के साथ साथ चीनी मिठाइयों पर भी रोक खत्म करनी चाहिए। 1994 में आज ही के दिन बोस्निया और हर्जेगोविना की राजधानी साराजेवो के मुख्य बाजार में एक मोर्टार बम के फटने से 68 लोगों की मौत हो गई थी और 200 लोग घायल हुए थे। 22 महीने से सर्ब मुस्लिमों और क्रोएट्स के बीच जारी संघर्ष के दौरान ये नृशंसता की सबसे बड़ी घटना थी। लोगों का मानना था कि यह काम शहर को नियंत्रण में रखने वाली सर्बिया की फौज का होगा। बम दोपहर से थोड़ी देर पहले एक छोटी सी दुकान पर आकर गिरा, जिसमें मुस्लिमों और सर्ब नागरिकों की मौत हुई और लोग बड़ी संख्या में घायल हुए। घायलों को एम्बुलेंस, कार और ट्रकों में भरकर शहर के मुख्य अस्पताल पहुंचाया गया। यह हमला ठीक तब हुआ जब बोस्निया के सर्ब मुस्लिम और क्रोएट्स नेता शहर के भविष्य को लेकर चर्चा करने वाले थे। 2008 में आज ही के दिन पंजाब में पटियाला की विशेष अदालत ने कंधार विमान अपहरण मामले में 3 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। दरअसल 24 दिसंबर को काठमांडू से दिल्ली आ रहे इंडियन एयरलाइंस के विमान का 5 पाकिस्तानी अपहरणकर्ताओं ने अपहरण कर लिया था। काठमांडू में सुरक्षा व्यवस्था की ढील का फायदा उठाकर वे छोटे हथियार विमान में ले जाने में सफल रहे। जहाज में उस समय 178 यात्री और 15 कर्मचारी थे, जिनमें से अधिकांश भारतीय थे। अपहरणकर्ताओं ने पहले जहाज को सीधे लाहौर ले जाने के लिए कहा। जब उनको बताया गया कि जहाज में ईंधन कम है, तो उन्होंने विमान को अमृतसर उतरने को बाध्य किया। इसके बाद जहाज को अफगानिस्तान के कंधार हवाई अड्डे पर उतार दिया गया। कंधार में अपहरणकर्ताओं ने भारत में बंद आतंकवादियों की रिहाई की मांग रखी थी, जिसे तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने मान लिया। और 2010 में भारत के फिल्म अभिनेता और निर्माता सुजीत कुमार का निधन हुआ था। 70 के दशक में राजेश खन्ना की कई सफल फिल्मों में सुजीत कुमार के अभिनय को लोगों ने खूब सराहा। बॉलीवुड के अलावा सुजीत कुमार ने भोजपुरी फिल्मों में भी काम किया है। उन्हें भोजपुरी फिल्मों का पहला सुपरस्टार कहा जाता है। उनकी फिल्में भारत में ही नहीं, मॉरिशस, गुआना, फिजी, सूरीनाम आदि देशों में भी काफी हिट हुई। राजेश खन्ना की फिल्म आराधना में उनके अभिनय को आज भी याद किया जाता है। अभिनय के बाद सुजीत कुमार फिल्म निर्माण की ओर भी मुड़े। उन्होंने बतौर निर्देशक पान खाए सैया हमार का निर्माण किया, जिसमें अमिताभ बच्चन और रेखा ने काम किया था।